चुनाव जीतने की आपको हार्दिक बधाई। मेरा नाम विजय मिश्रा है, मैं द खबरदार न्यूज चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरा एक और वेंचर है शहर यार करके। अच्छा। आपने देखा होगा त्योंथर पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, त्योंथर वो हमने ही बनाई थी, पत्रकार जी का फोटो वगैरह लिया था, वो हमने ही बनाई थी। बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ की, उसका पार्ट टू अभी हम शूट कर रहे हैं। अभी मैं छुट्टी में आया हूँ तो उसका पार्ट टू की शूटिंग कर रहे हैं। आपको बधाई, कैसा रहा चुनावी अनुभव? पहली बार आप पार्षद बने हैं, कैसा लगा? अच्छा, अरे खुद चुनाव देखिए, फिर मेहनत तो आपने की होगी, ऑब्वियसली बात है उन्होंने भी की होगी, लेकिन फील्ड में तो हमारे साथी लोग रहे तो सबसे तटस्थ कार्यकर्ता आप ही थे। हाँ, तो हमारे घर से हैं और हमारे पड़ोस वाले हमारे ही तरह थे। LIC एजेंट है, वो है प्रमोद अग्रहरी है, नीरज सिंह है, संजीव सिंह है, प्रमोद जैसा कई नाम तो नहीं मिलते, मतलब हमारे सहयोगी ही सब कुछ थे। अच्छा, पैसा है ना, जनाधार है। अच्छा, वही तो चाहिए चुनाव चाहिए, पर हमारे खिलाफ जितने लोग थे वो हमसे ज्यादा थे। अच्छा, लड़ने वाले तो तीन ही थे, उसमें चार पांच तो ऐसे थे, बस उनका वही देश था कि इसको हराओ। अच्छा, फिर भी आप जीते, कैसा अनुभव रहा? मतलब किन किन कठिनाइयों एक दो चीजें बताइए जो आप पब्लिक में बता सकते। मैंने बहुत अपना समझा, ऐसे से लोग मिले जिनसे हमको ये अपेक्षा नहीं थी कि हमारे खिलाफ जाएंगे। अच्छा, वो भी थे ऐसे ही है, चुनाव लगा कि मतलब शायद ये बहुत गंदा काम है, ऐसा लगा। चुनाव चुनाव सुखद अनुभव क्या रहा है? सुखद ये है कि जिन जिन कुछ लोगों ने मतलब उसमें से कुछ ऐसे 80 के मतलब ऐसे 70% थे ऐसे जिन्होंने शुरू से आश्वासन दिया था तो उस पर कायम रहे और कायम रहे और किसी दबाव किसी पैसे वैसे किसी की तरह से झुके नहीं, अधिक रहे। शुरू से हमको आश्वासन दिए कि आपको तिलक लगेगा तो लगेगा। अच्छा। और उस पर कायम रहे, ये सुखद अनुभव रहा। तो मतलब कुल मिला के ठीक है, कुछ खट्टा ना हो तो मजा नहीं आता। हाँ, वो एक तरह से ये है कि ये एक जीतने वाले के लिए जरूरी है कि कुछ लोग जिनसे ट्रस्ट किया वो विश्वास जाए भी, फिर भी हमने जीता, वही तो विजय। हमारे साथ करीब अच्छी बात ये थी कि गद्दारी किसी ने नहीं की, सामने अच्छा सहयोग किया, इसमें कोई दोहरा नहीं, जो सामने विरोध में थे तो वो थे ही। तो अभी आपका क्या प्लान है, मतलब जैसे आप पार्षद बन गए अध्यक्ष के लिए? नहीं, अध्यक्ष अध्यक्ष को जैसा सबका मत होगा वैसे मेरा होगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो अध्यक्ष बने वो नगर का काम करे बस। अब देखिए, दो चीजें होंगी, एक तो आपके फेवर में हो सकती है कि जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं वो अध्यक्ष बन गया। एक वो व्यक्ति है जिसे आप नहीं चाहते वो अध्यक्ष बने लेकिन वो बन गया, वो भी आपको ज़्यादा पसंद नहीं करता। जनरल ये चीज़ें होती हैं, हमसे ऐसा किसी से नहीं। तो फिर आप किस तरह से अपने वार्ड में फिर भी विकास के कार्यों को जो आप वादा लेके जो आप ठान के आए हो कि अगर मैं जीता तो मैं ये करूँगा, आदमी के दिल से भाई बहुत सी चीज़ें निकलती हैं कि मैं जीत गया तो मैं ये करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके लिए तो कोशिश करूँगा ही करूँगा। तो ऐसे कौन से आपके वार्ड में मुद्दे हैं जिनको आप सबसे पहले सॉल्व करना? हमारे वार्ड में मुद्दे सबसे बड़ा ये है कि वहाँ पर सड़क नहीं सुधरी हुई है, यहाँ पे हमको आश्वासन मिला था जहाँ हमारे मतलब वादे थे खड़े उतने वादे थे, वहाँ सड़क और नाली सबसे बड़ी आलोचना है। अच्छा, वो पहले सीधा करना, उसके बाद पाइप लाइन पानी वाली कुछ जगह पहुँची है, कुछ जगह नहीं पहुँची, बस इतनी बात है, बाकी पहुँच रही है। लोगों ने काम अच्छा किया था, ऐसी बात नहीं है। नाली तो 10-12 साल से ऐसे ही है, तो सिर्फ नहीं निकास ना होना, बस निकास निकाल जो बना हुआ था उस समय 10-12 साल बन गया, उसका निकास ही सही नहीं। मैंने सुना किसी से कि नालियाँ ऐसे बनती थी कि कोशिश ये की जाती थी कि नीचे का पानी ऊपर की तरफ जाए, ऐसा संभव नहीं है। संभव नहीं है, लेकिन कोशिश किया गया भाई, ढलान होना चाहिए नाली बनने का सिस्टम। ये कन्फर्म भी आदमी होगा तो यही सोचता है कि ढाल जिधर होगा पानी अपना रास्ता बना लेता है, तो पक्की नाली अगर बना रहे हैं तो ढाल तो होना चाहिए। और पता नहीं किस तरह के इंजीनियर रहे होंगे, पता नहीं किस तरह के ठेकेदार रहे होंगे, अब
काम करवाने या फिर करने वाले पता नहीं, समझ नहीं आई बात। तो आप कोशिश करेंगे कि हाँ इस चीज़ को हटा दें, ये चीज़ ना रहे, जब आपके यहाँ नाली बने तो ऊपर से नीचे की ओर बने, जो सिस्टम होता है वो होना चाहिए। और अगर बहाव के विपरीत जाएंगे तो संभव नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चार घाट में सक्रिय रहता हूँ, खबर राज न्यूज़ चलाता हूँ, मैं आपके चार घाट में काफ़ी कुछ कवर किया है। नहीं मैं एक्चुअली क्या है, मैं NRI हूँ, बाहर फॉरेन में रहता हूँ, और न्यूज़ चैनल एक समाज सेवा के तौर पर चलाता हूँ। कोई ये नहीं कि हर न्यूज़ कवर करनी है, गली में कुछ भी हुआ कवर करनी, ऐसा नहीं। कुछ एक्सक्लूसिव जो कवरेज स्टोरी होती है, मीडिया का काम तो होता ही है कि समाज को मतलब हम जो करते हैं चाहते हैं कि उसमें इम्पैक्ट हो, मतलब जो जो कोई नहीं दिखाता। जैसे मान लीजिए आप देखना द खबर द न्यूज़, हमने जो न्यूज़ चलाई है उस तरह की न्यूज़ जनरली लोग चलाने से बचते हैं, जो यहाँ हमेशा लोकली रहते हैं, उनका घर है, ये सारी चीज़ें मैं उधर होकर कर पाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मैं दूर रहता हूँ। मीडिया को निगाह होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, समाज सेवा के लिए करता हूँ, तो मैं हमेशा न्यूट्रल रहता हूँ। अगर BJP ने अच्छा काम किया तो उसकी किसी का पक्ष नहीं लेते। हाँ, कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो कांग्रेस का, आपने अच्छा किया तो आपसे आऊँगा, मिलूँगा, अप्रिशिएट करूँगा, जैसे अभी आपसे बात किया, ठीक है, ये चाहिए। अपने बाद में फिर से आऊँगा एक बार देखने आपका वार्ड की आपने क्या किया, जनता से बात करूँगा। तो ये मतलब अब हमारी मुलाकात होती रहेगी, आप मेरे क्लोज हो गए हैं, कोई ये नहीं कि आप मेरे पास आए या मैं आपके पास आया, तो समय ने हमको मिला दिया। मनोज भाई एक बार ना आता बच्चों को, और मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि इस चुनाव में चाहे वो पंचायत का इलेक्शन रहा हो, चाहे वो नगर पंचायत का इलेक्शन रहा हो, बहुत से यंग लोग आए, बहुत से यंग लोग जीत कर आए। तो जैसे वार्ड नंबर 7 में तो ये अभी अंगी है, बहुत अंगे हैं आप। जनरली पहले के टाइम में देखा जाए तो थोड़ा 50-55 नहीं, फिर भी अंगे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी बदली जा सकती है, पॉजिटिवली अपने चार घाट को ऐसा मार्केट बनाया जा सकता है शाम तरीके से। आने वाली जनरेशन जो है ना, वो नाम लेके 2022 में एक चुनाव हुआ था जिसमें ये लोग टीम बनी थी, ये जनरली एक टीम चुनाव जीतने के बाद आप एक सरकारी एजेंट के तौर पर काम करते हैं, टीम के तौर पर काम करते हैं, इसीलिए पार्षद होते हैं कि जो आपके यहाँ जो समस्याएं हैं आप उसको ये नहीं कि मैं पसंद करता हूँ हर चीज़ पसंद करता गया, हर चीज़ का विरोध करता गया, है ना, ऐसा होना भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरली हो रहा है, पसंद से नहीं मतलब होता, मतलब होता है पब्लिक के पसंद। एग्जैक्ट, सबके सही काम पसंद है, हमको ही पसंद है। और अगर अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हो रही है तो पब्लिक पसंद करेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।